हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ टेक्निकल लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने जेंगो को इंस्टॉल करा था। अभी हम देखेंगे कि पाईचार्म के थ्रू हम कैसे जेंगो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जेट बीन्स की एक साइट पे जाना है, पाईचार्म आपको कम्युनिटी वर्जन मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको होम पेज पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जेट बीन्स की आप साइट पर चले जाएंगे या फिर आप गूगल में सिंपल सर्च कर लेंगे पाईचार्म डाउनलोड। पाईचार्म डाउनलोड पे आप सर्च कर लेंगे तो ये आपको जेट बीन्स की साइट मिल जाएगी। यहाँ से आप ये कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका पाईचार्म दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना होगा कि जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने वहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, ये ऑटोमेटिकली आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के देगा। तो न्यू प्रोजेक्ट के टाइम पे आप प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा, तो जैसे मैंने डेमो नाम दे दिया, आप डेमो नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। डेमो नाम देने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका डेमो और ये कुछ फाइल्स आएंगी, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट VENE करके आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यही बेनिफिट है पाईचार्म को यूज़ करने में, कि इसमें जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल करना होगा। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए वही सेम कमांड है, PIP इंस्टॉल जेंगो। ये कमांड डालने के बाद आप रन करा देंगे तो आपका जेंगो का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इस तरीके से आपका जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आपका जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा तो एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद अब आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आपको जेंगो आपका इंस्टॉल हो चुका है, एक कमांड देनी होगी आपको, ठीक है। ये आपका पाईचार्म प्रोजेक्ट और डेमो जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था उसके अंदर आपको एक कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आपको टर्मिनल पर सारा काम करना है, टर्मिनल पे क्लिक करके ये सारा काम करना है। django हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने ई शॉप नाम दे दिया है। क्लिक कर देंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो काम करना है, अब आपको जैसे ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ऐसे ही जेंगो में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ एक ऐप भी क्रिएट करना पड़ता है। ऐप का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई एक ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल्स को यहाँ क्या कहते हैं, ऐप कहते हैं। जैसे एक स्टोर मॉड्यूल है, एक परचेज मॉड्यूल है, एक बाइंग सिंग इन्वेंट्री मॉड्यूल है, ये सब आपके क्या हैं, ऐप के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक कमांड और देनी है, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप स्टोर करके, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर ऐप क्रिएट हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जब आपका ये फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा तब हमें क्या करना है, अब हमें स्पेस चाहिए जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट का ऐप का काम कर सकते हैं। तो हमें वही सेम कमांड चलानी है जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाई थी पिछली बार, पाइथन manage.py। ये देख सकते हैं आप, ये manage.py की आपकी फाइल होगी। तो ये पाइथन की कमांड चलानी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। रन सर्वर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। रन सर्वर जैसे ही आप करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, रन सर्वर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका कुछ टाइम बाद प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक URL मिल जाएगा जैसा कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट में मिला था। तो इस URL को आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हम पाईचार्म में भी अपना जेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं। बेनिफिट यही है कि पाईचार्म में वर्चुअल एनवायरनमेंट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी कोडिंग के थ्रू इस एनवायरनमेंट पे कुछ भी पेजेस और वर्चुअल और डायनामिक पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।